हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए बच्चों। निर्देशांक ज्यामिति हाई स्कूल में है बच्चों, या रेलवे ALP जो लोग को पायलट का पेपर लगा है उसमें भी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जो 2 ALP 2 का लगा है बच्चों, उसमें ये निर्देशांक ज्यामिति लोग को पायलट का वो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही। तो देखते हैं इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से। ये दो लाइनें हैं यहां पर, यहां पर दो लाइनें जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग एक्स कहते हैं, यहां पे ये वाई। ये एक्स प्लस होता है बच्चों और ये एक्स माइनस, ये वाई प्लस है बच्चों और ये नीचे वाई माइनस होता है। अच्छा, इन दो लाइनों को पहले क्या कहते हैं? उससे पहले इस जो प्लेन है, इस प्लेन को क्या कहते हैं? इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, मतलब कार्तीय तल। ये बच्चों कार्तीय तल है, कार्तीय तल कहते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये कार्तीय तल है। और इस प्लेन पर जो दो लाइनें खींच दी हैं, इन दो लाइनों को बच्चों हम लोग कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं बच्चों? अक्ष, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अक्ष, इनको अक्ष। ये एक्स एच और ये वाई एच, मतलब ये एक्स एक्सेस है और ये बच्चों वाई एक्सेस है। ओके, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, हिंदी में एक्स एच और ये वाई एच। तो इन दो लाइनों ने कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में बांट दिया। तो ये चार हिस्से देखते हैं कौन कौन से है बच्चों। पहला हिस्सा जो होता है बच्चों, क्या हम देखते हैं इस हिस्से में, इसमें पहले एक्स भी जाएंगे तो क्या है बच्चों? प्लस। और इस पे जाएंगे तो प्लस, इसमें आएंगे तो पहले एक्स भी जाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? माइनस। और वाई पे जाएंगे तो प्लस, इसमें आएंगे तो एक्स भी जाएंगे बच्चों माइनस, और वाई पे जाएंगे तो प्लस, सॉरी माइनस। और यहां पे आएंगे तो पहले एक्स भी जाएंगे तो प्लस और वाई पे जाएंगे तो माइनस। ओके, यहां पर ये साइन है। तो ये जो पार्टीशन है इनको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कह सकते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे क्वाड्रेंट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मान लीजिए कोई भी आपको एक पॉइंट दिया जाए। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग जैसे ये लिखा है 5.6 या x.1 एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, इसको क्या कहते हैं बच्चों? निर्देशांक, निर्देशांक इसको कहते हैं बच्चों। और निर्देशांक में दो पार्ट होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, एक्स और वाई दो पार्ट होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं भुज, भुज मतलब अपसीसा, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दे, अब भुज को अपसीसा। और वाई को बच्चों कोटि, कोटि मतलब होता है ऑर्डिनेट, ये पहले अपसीसा होता है बाद में क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनेट। भुज और कोटि, पहले अपसीसा होता है बाद में क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनेट होता है। आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए और पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में, मीन्स किस चतुर्थांश में बिलोंग करेगा, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है हम लोग को 5.-2, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है यहाँ पे प्लस है, दूसरे में क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस कहाँ पर आ रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कहाँ पे आ रहा है? फोर्थ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, आपको पूछा कि भुज क्या है या अपसीसा, मीन्स भुज मतलब अपसीसा क्या है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? फाइव है। तो भुज और कोटि मतलब पहले भुज होता है फिर कोटि होता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया भुज कोटि मतलब अपसीसा ऑर्डिनेट जान लिया, किस एक्सेस में बिलोंग करेगा, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा ये भी जान लिया। अब हम लोग जानते हैं वो कब एक्स पे बिलोंग करेगा और कब वाई पर बिलोंग करते हैं, इसको भी जान लेते हैं बच्चों। कब एक्स से बिलोंग करेगा, कब वाई पर बिलोंग करेगा, ये भी जानना बच्चों जरूरी है। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब हमने कहा 0.y, तो मतलब ये वाई एच पर है क्योंकि एक्स वहां पे 0 है बच्चों। अगर मतलब भुज 0 है, अगर भुज 0 है मतलब अपसीसा 0 है, तो वो वाई एच पर कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा। अगर एक्स 0 है तो वो वाई एच पर बिलोंग करेगा। और वाई बराबर 0 है बच्चों, तो 0, मीन्स एक्स कॉमा 0, तो वो एक्स एच पर बिलोंग करेगा, एक्स एच पर होगा। मतलब अगर ऑर्डिनेट 0 है, मतलब कोटि की वैल्यू 0 है, कोटि की वैल्यू यहां पर 0 है, कोटि की वैल्यू 0 है, तो वो एक्स एच पर बिलोंग करेगा, ये पक्का है।
ठीक है, ध्यान लीजिए, नोट कर लीजिए, एक्स बराबर जीरो है। अगर कहा जाए कि एक कोई लाइन है वो एक्स बराबर जीरो तो कहाँ पर होगी, कोई बिंदु है मान लीजिए भुज जीरो है तो कहाँ पर बिलोंग करेगी, तो वो वाई एच पर, और कोटि जीरो है तो वो एक्स एच पर बिलोंग करेगी। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो पहले हमने सीख लिया बच्चों किस क्या क्या क्वाड्रेंट होते हैं और किस एक्सिस में कब होगा, वाई एक्सिस में, और हम लोग जान ली निर्देशांक क्या होते हैं और भुज कोटि भी जान ली। अब हम लोग को दूरी निकालने की बात करते हैं, डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी आपको पॉइंट दे रखा है और वो पूछ रहा है एक्स एच से दूरी क्या है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सेस क्या है ना, एक्स एच से दूरी, एक्स एच से दूरी, तो कभी भी आपको x h से दूरी पूछे तो हमेशा आप उल्टा लगाइएगा फॉर्मूला। तो मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पे, कोटि, कोटि मतलब बच्चों ऑर्डिनेट। अगर y h से दूरी पूछे बच्चों तो क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पे, भुज। उल्टा करते हैं, ध्यान दीजिए क्यों उल्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है 3.4, तो थ्री आप कहां से लेंगे, 1 2 3 4 कहां से लेंगे, 1 2 3 4, तो ये दोनों पॉइंट कहां पे मिलेंगे बच्चों, यहां पे मिलेंगे कहीं इस प्रकार से। तो हम तुमसे आप पूछ रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या, यही तो है 4, तो एक्स से डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये कोटि तो है और ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 3 है, तो वाई से कितनी है बच्चों, भुज मतलब अपसीसा है। समझाया बच्चों, कोई भी पॉइंट होगा अगर ये डिस्टेंस पूछेंगे तो ये डिस्टेंस वही वाई तो होगी बच्चों, और ये डिस्टेंस पूछेंगे तो ये एक्स वाली डिस्टेंस होगी बच्चों, ठीक है। समझाया बच्चों, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं, तो देखते हैं जल्दी से, ये सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पोस्ट करके। मान लीजिए आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 y2, ओके। अब वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, दूरी निकालिए, तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा क्या फॉर्म लगाएंगे, जो x2 माइनस x1 कहें चाहे x1 माइनस x2 कहें, क्योंकि होल स्क्वायर लग जाना बच्चों, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या और आप x1 माइनस x2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने का पॉइंट फॉर्मूला है बच्चों। जब तुम्हें आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे तो डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उससे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी आप डिस्टेंस पूछा जाए तो इसे आप कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे देखते हैं फॉर्मूले बच्चों, आपको दो पॉइंट दिए जा रहे हैं x1 y1 x2 y2, और आपको पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए x कॉमा y के, जो इसे m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, वो भी अंता, अंता मतलब बच्चों अंदर की तरफ कर रहा है, बाहता मतलब बाहर कर रहा है, अंता और बाहता दो, इंटरनल अंता, एक्सटर्नल बाहता, ध्यान रखिए इंटरनल, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले, अंता मतलब इंटरनल और बाहता मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, तो अंता के लिए, इंटरनल के लिए मींस अंता। तो बच्चों फॉर्मूला, अगर हम लोग रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2, तो x रहा बच्चों सिंपल सा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 लगाएंगे बच्चों, और y is equal to भी सेम फॉर्मूला बच्चों, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2,
बहत्तर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा देना बच्चों, सभी जगह क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, काम अपने आप से बन जाएगा। बहत्तर के लिए सिर्फ माइनस, स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ माइनस लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला है बच्चों किसके निकालने का, डिस्टेंस निकालने का। ये निकालना है बच्चों जब कोई पॉइंट किसी भी लाइन को किसी रेशियो अनुपात में बांट रहा हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे नहीं कहता किसी लाइन को 2:3 में या 1:2 में बांट रहा तो उस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 1:2:2:1/1:2 m1x2। तो इसको आगे क्या कर दो, इसको पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, m1x2 + m2x1/m1 + m2, m1/2 + m2y1/m1 + m2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट देखते और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं बच्चों, नोट करते रहिए बच्चों, क्योंकि इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा आपको किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज फॉर्मूले को याद कर लीजिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए। आपको दो पॉइंट फिर से दिए हैं, x1 y1 x2 y2, मिड पॉइंट निकालना हो बच्चों आपको। मिड पॉइंट का मतलब होता है बच्चों मध्य बिंदु निकालना आपको, मध्य बिंदु निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है x=x1 + x2/2 और y=y1 + y2/2। कभी भी मिड पॉइंट आपको निकालना तो ये फॉर्मूला अपनाइए, मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है बीचों बीच वाला पॉइंट निकालना है, कोई लाइन है आपको बीच वाला पॉइंट निकालना है तो आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं और सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक, ट्राइंगल का केंद्रक मतलब त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना हो तो फिर क्या करेंगे, केंद्रक मतलब होता है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि जहां पर ट्राइंगल के तीनों मीडियंस मतलब माध्यिकाएं टकराती हैं तो उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो उसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y=y1 + y2 + y3/3। तो इस फॉर्मूले को से दरअसल हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे केंद्रक निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला और भी है जिससे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं, उसको भी नोट डाउन हम लोग कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट जो क्लास मेरी लगेगी इसी के बारे में लगेगी, और इससे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, नए नए क्वेश्चंस जो आपके लिए लाभदायक होंगे आपके लिए। तो प्लीज नोट डाउन करते रहिए बच्चों। आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और एरिया निकालना है बच्चों। एरिया मतलब होता है बच्चों क्षेत्रफल निकालना है आपको ट्राइंगल का बच्चों। तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 (y2 - y3) + x2 (y3 - y1) + x3 और बच्चों y1 - y2। ओके बच्चों, इसे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं आसानी के साथ, जब भी हम लोग मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इसके फॉर्मूले के द्वारा। अगर ये संरेख है, कोलिनियर है, तो इसकी वैल्यू जीरो होती है अगर संरेख कहा गया है तो संरेख होने पे, संरेख पे कोलिनियर पे ये कहता है कोई वैल्यू अननोन कर देता है तो उस वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो इसके इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, जीरो ले लेते हैं कोलिनियर पे, कोलिनियर पे कुछ नहीं, क्योंकि कोलिनियर बच्चों होता है क्या, तीन बिंदु एक ही लाइन बनाते हैं तो उसे हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो वहां पर यह चीज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि ट्राइंगल्स नहीं बनता है तो वो चीज जीरो हो जाती है। तो ये फॉर्मूले सभी नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी
जल्दी आपको मिल जाएगी। तो उसमें हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।